स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म इधर ले आए, प्लस टू ए एक्स सेक थीटा आ गया, और इधर आ गया माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो गया बच्चे। ये आया समझ में? यस सर। सेक थीटा में क्वाड्रेटिक है, थीटा की दो वैल्यू है, तो इसी के रूट्स हो गए सेक अल्फा सेक बीटा। सेक थीटा में क्वाड्रेटिक बन गया, उसके दो रूट्स हैं सेक अल्फा सेक बीटा। यस सर। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है बच्चे? माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। है सिंपल? ओके सर। उसके बाद एक समेशन वाला भी सबको दिक्कत कर रहा था, नहीं बोलो बच्चे? सर उसे ऑप्शन में डाल के तो कर दिया था, लेकिन वो वैसे नहीं बना था। वैसे ही बनाना है बेटा सर, वो आपको सेंड करने के बाद हो गया था। चलो कोई बात नहीं, अभी कर। तुमने फॉर्मूला तो तुमको ध्यान ही था, हो जाना चाहिए। देखो समीशन ऑफ टेन ए का मतलब क्या है? एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था, तो इसका मतलब हुआ टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी प्लस टेन डी होगा, हाँ या ना? यस। और इस नोटेशन का मतलब होता है प्रोडक्ट, तो टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी इंटू टेन डी है ये। और समेशन ऑफ कॉट ए का मतलब क्या हुआ? कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी प्लस कॉट डी, यही ना? यस सर। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है बच्चे, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी? 360 डिग्री, 2π लिख दिया। दोनों तरफ tan ले लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में tan की ही बात हो रही है, तो tan 2π तो जीरो हो गया बच्चे। यस सर। चार एंगल है ये, S1 माइनस ऊपर S3, 1 माइनस S2 प्लस S4 इज इक्वल टू जीरो, याद है फॉर्मूला बताया था? यस सर। तो यहां से ये जीरो होने का मतलब है कि S1 इज इक्वल टू S3। S1 का मतलब है सम ऑफ ऑल टेन टेकन वन एट ए टाइम, मतलब टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी प्लस टेन डी, वही है समीशन ऑफ टेन ए है बच्चे। और इसका मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल टेन टेकन थ्री एट ए टाइम, टेन ए टेन बी टेन सी है, ऐसे ऐसे तीन का सम है, ठीक है? Yes, sir. अब मान लो तीन तीन का सम है, टेन ए टेन बी टेन सी, फिर उसके बाद मान लो टेन ए टेन बी टेन डी है, चार टर्म आएंगे इसमें सम में। जब तीन थ्री एट ए टाइम लोगे ना, तो एक आएगा टेन ए टेन बी टेन सी आया, दूसरे में टेन ए टेन बी टेन डी होगा, आई बात समझ में? एक में होगा, एक में होगा टेन बी टेन सी टेन डी होगा, एक में होगा टेन ए टेन सी टेन डी होगा। तो जब आप इसमें से tan a tan b tan c tan d कॉमन ले लोगे बच्चे, तो क्या बचेगा? 1 by tan a plus 1 by tan b plus 1 by tan c plus 1 by tan d हुआ, इसी का नाम है प्रोडक्ट ये वाला। और ये है cot a प्लस cot b, तो ये समेशन ऑफ cot a हो जाएगा बच्चे, आई बात समझ में? यस सर।
तो जो भी आपका ऑप्शन है उसको टिक कर लोगे। ओके सो तो मैक्सिमम बच्चों का यही दो क्वेश्चन जो था ना डाउट था, और भी बच्चों ने भेजा है उसको हम डिस्कस कर देते हैं, लेकिन मेजर का यही डाउट था। मौलिक यस सर, यही डाउट था ना बच्चे? यस सर। एक और कॉमन डाउट है, क्वेश्चन नंबर शायद 52 था, cos 2π/28, उसके बाद cos 3π/28, cos 6π/28, cos 9π/28 plus cos 18π/28, cosec 27π/28। ये किसका डाउट था, नाम बताना बच्चे? दलीशा सर। दलीशा, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अंजलि बनाया था सर, ये लंबा था काफी। काफी लंबा था, बन गया था सर? बन तो गया था पर लंबा जा रहा था बहुत। अच्छा क्वेश्चन है मौलिक। यस सर। बना था बेटा ये? यस सर, पर बहुत टेस्ट में नहीं बना था, बाद में घर पे क्या था तब हुआ था। अच्छा बन गया था। यस सर। और ये क्या है, आदित्य भास्कर भी है ना सर? पे टाइम पे लंबा पड़ रहा था तो उस समय छोड़ा घर पे। अच्छा सर, ये मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद जो लास्ट के 20 मिनट्स बचे थे उसमें बनाया था। 20 मिनट्स में? यस, मतलब सर जो लास्ट के टाइम था उसमें जो ये वाला क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में छोड़ दिया था, इसके अलावा दो तीन क्वेश्चन और थे वो सारे मैंने उसी टाइम पे बनाया। अच्छा अच्छा चलो बेटा मैं समझाता हूँ जरा। एक काम करते हैं, देखो पैटर्न तो सेम ही है बच्चे। यहाँ पे जैसे ये देखो cos 2π/28 है और ये cos 3π/इतना है, ठीक है। cos 2π/28 है, पहला टर्म की बात कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म की बात, और यहाँ पे ये साइन 3π/28 है बच्चे। इसका नाम थोड़ी देर के लिए अल्फा दे दो बच्चे। इसका नाम हमने अल्फा दे दिया तो ये वाला क्या होगा, होगा? यस सर, हमने अल्फा नाम दे दिया, कितने का, 2π/28 का नाम दे दिया। तो ये है, अब ऐसी पैटर्न जा रहा है तो इसको हम दो के डिफरेंस में लिख लेते हैं बच्चे, ठीक है? बोलो। यस सर। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये cos अल्फा है, sin 3α/2 है, तो ये cos अल्फा और यहाँ पे हमने क्या किया, sin α/2 लिख दिया 2 times, तो 2 से डिवाइड भी होगा और नीचे sin 3α/2 sin α/2 आया। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना बच्चे कि अगर हम ये वाला लेंगे तो फार्मूला लगाएंगे ना 2 sin a sin b का,
तो एक बार थ्री अल्फा बाई टू आएगा और एक बार अल्फा बाई टू आएगा, दूसरा लेंगे तो बात नहीं बन रही थी। तुम्हारे दिमाग में आया कि साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर दे तो उसमें बात नहीं बन रही थी। इससे अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये देखो क्या हो रहा है, टू साइन ए कॉस बी, एक आएगा साइन ए प्लस बी आएगा बच्चे, और दिस माइनस दिस करोगे तो माइनस आ जाएगा और एक आएगा साइन अल्फा बाई टू। ये समझ में आया बच्चे? बोलो। यस सर। अब ये दो के डिफरेंस में सेट हो गया, ये इससे आ गया कॉसेक अल्फा बाई टू माइनस कॉसेक थ्री अल्फा बाई टू हो गया। तो पहला वाला जो टर्म है ना कॉस अल्फा बाई साइन थ्री अल्फा बाई टू ऐसा आ गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया। देखो क्या आता है, ये साइन थ्री अल्फा बाई टू है तो यहाँ कॉसेक आ गया और यहाँ जितना भी एंगल है उसका आधा आया है। सेकंड टर्म देखो क्या है, इसका नाम हमने अल्फा दिया था तो ये वाला क्या है, थ्री अल्फा है, और ये वाला कितना होगा साइन, ये थ्री अल्फा होगा तो ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका ट्रिपल बाई टू, तो इसका ट्रिपल बाई टू आ जाएगा। देखना वो भी करके देखो इसको। यस सर आ गया, आएगा। यस सर। तो ये होगा हाफ कॉसेक, ये देखो अल्फा है तो अल्फा बाई टू, तो यहाँ पे आएगा थ्री अल्फा बाई टू माइनस कॉसेक, जैसे यहाँ पे है तो ये आया है तो यहाँ पे आएगा कॉसेक नाइन अल्फा बाई टू। और थर्ड टर्म देखो कितना है, कॉस नाइन अल्फा है और यहाँ पे आएगा साइन, इसका ट्रिपल बाई टू आएगा, ऐसे आएगा, चेक करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हाफ कॉसेक नाइन अल्फा बाई टू माइनस कॉसेक ट्वेंटी सेवन अल्फा बाई टू। जब ऐड करोगे ना, इस सीरीज का नाम एस दे देते हैं, तो ऐड करने पे ये एस आ गया, डायगनली कैंसिल होगा बच्चे, yes, ये इससे कैंसिल, yes, ये इससे कैंसिल, तो कॉसेक अल्फा बाई टू माइनस कॉसेक ट्वेंटी सेवन अल्फा बाई टू होगा, और हाफ अल्फा बाई टू हो गया कॉसेक पाई बाई ट्वेंटी एट हो गया, होगा। यस सर। और ये कॉसेक अल्फा बाई टू है पाई बाई इतना, तो ये ट्वेंटी सेवन पाई बाई 28 हो गया। ये देखो, ये अगर थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा है। यस सर। जैसे साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, वैसे कॉसेक पाई माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, तो ये इसको कैंसिल कर देगा और आंसर जीरो आ जाएगा। कॉसेक 27 पाई बाई 28 का मतलब है कॉसेक पाई माइनस पाई बाई ट्वेंटी एट, दैट इज कॉसेक पाई बाई ट्वेंटी एट। मना बेटा? यस सर। अंजलि? यस सर। अब क्लियर है बेटा ये? यस सर। मौलिक? यस सर। अब क्लियर है ना? यस सर।
जब भी आप पेपर देते हो ना, तो दोबारा से घर पे बैठ के अलग से कॉपी में बना के, जैसे पेपर है उसके साथ उसका सॉल्यूशन खुद का बना हुआ स्टेपल कर लोगे और रिकॉर्ड में रख लोगे फाइल में। और ये आज ही करना है तुमको, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए बेटा। आई बात समझ में? यस सर। फिर एक डाउट लोगों का था, 54 था, पता नहीं ये क्यों डाउट में रखा हुआ था। मौलिक ने भी पूछा था मुझसे, 3 tan A प्लस cot A 5 cosec A है, तो फाइंड sec A प्लस 4 sin² A। तो भाई ये तो इक्वेशन है, यहां से कोई ए निकाल लो, इसमें रख देना है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन निकाल लो। सर इसमें आंसर कुछ और आ रहा था और कुछ और दिया हुआ था। आंसर इसका 5 आ रहा है ना, चेक कर लो, सी आ रहा है इसका। सर आ तो 5 ही रहा है पर उसमें 3 दिया हुआ है, तो वो गलत हो गया फिर। हाँ वो गलत हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे 3, हाँ हो सकता है इसीलिए डाउट में पूछा हो। ये साइन ए बाई कॉस ए है और ये कॉस ए बाई साइन ए है इज इक्वल टू 5 बाई साइन A है, और यहां से ये 3 sin² A प्लस कॉस ए स्क्वायर ए बाई साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 5 बाई साइन A। हम मान के चलते हैं कि साइन ए इज नॉट इक्वल टू 0। साइन ए अगर 0 होगा तो ये टर्म अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि ये 5 बाई साइन A है ना, तो इसलिए साइन ए कैंसिल कर लिया बच्चे। तो ये आ गया 3 sin² A मतलब 1 minus cos² A प्लस कॉस ए स्क्वायर ए इज इक्वल टू 5 cos A और 2 cos² A जो माइनस में आएगा उसको इधर ले गए प्लस 5 cos A माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से cos A की वैल्यू निकाल लिया, माइनस 5 प्लस माइनस 25 प्लस 24 बाई 4 तो माइनस 5 प्लस माइनस 7 बाई 4, एक वैल्यू माइनस 3 आ रही है, एक 1/2 आ रही है। cos A माइनस 3 हो नहीं सकता है, तो cos A की वैल्यू हाफ हो गई। हमको निकालना है sec A प्लस 4 sin² A, sec A हो गया 1/cos A हो गया और sin² A 1 minus cos² A हो गया। वैल्यू रखोगे तो ये 2, 4, 1 minus 1/4 तो 2 प्लस यहां से 3 आ जाएगा, आंसर 5 होगा। आंसर इसका 5 होगा, ठीक है? यस सर। एक पता नहीं ये भी डाउट बच्चों का आया हुआ है, टेन एक्स माइनस टेन वाई ए दिया हुआ था और कॉट वाई माइनस कॉट एक्स बी दिया हुआ था और कह रहा था 1/a प्लस 1/b की वैल्यू बतानी थी ऑप्शन के हिसाब से। तो पहले वाले से इसको साइन कॉस में बदल दोगे तो ये साइन एक्स माइनस वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई आ जाएगा। दलिशा? यस सर। तुमने भेजा था ना बेटा ये? सर भेजा था, इसमें जो आंसर आ रहा है वो गिवन आंसर से मैच नहीं कर रहा। अभी चेक कर लो जरा,
अच्छा, इसमें जो हमारे पास आएगा cos y, साइन करके देखो तो इसमें आ जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन x साइन y आएगा, और ऊपर में फिर से साइन x माइनस y आ जाएगा, ठीक है ना। अब 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी जब निकालोगे ना, तो 1 बाई ए जब करोगे तो ये आएगा cos x cos y sin x माइनस वाई, और इसमें आएगा sin x sin y अपॉन sin x माइनस वाई। तो एलसीएम में तो sin x माइनस वाई आ गया, और ऊपर में हमारे पास cos x माइनस वाई हो गया, तो ये तो आएगा ही cot x माइनस वाई। बच्चे आंसर से चेक कर लेना, अगर ये दिया तो सही है cot x माइनस वाई, tan में दिया हुआ है, हाँ तो वो गलत दिया हुआ है फिर। हाँ सर, मैंने भी cot x माइनस वाई किया था, इसका गलत हो गया। कोई नहीं, भेज देना उसको, जो जो चेक कर ले रहे हो ना, जिसका गड़बड़ लग रही है उसको आप भेज सकते हो, ठीक है ना बच्चे। यस सर। एक क्वेश्चन ये भी आया था बच्चे, साइन क्यू प्लस, साइन रूल से भी बना सकते हो, लेकिन भी अभी आपने जब ये चैप्टर था उसमें साइन रूल नहीं था, तो आप ऐसे कर लो। किसी का ये भी क्वेश्चन है बच्चे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू थ्री ए बी सी दिया हुआ है, है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल्स टू जीरो। नहीं, इसको इधर लाओ, पहले फैक्टराइज करो, कहां से ए प्लस बी प्लस सी जीरो कैसे होगा बेटा, यहाँ पे ए बी सी एंगल है और जीरो से पाई के बीच में साइन कहां से जीरो हो जाएगा, फैक्टराइजेशन, इसके दो होते हैं ना फैक्टर, भूल गए क्या सर, ये इसलिए मेरा गलत आ रहा था। हाँ ऐसे लिखेंगे ना बच्चे, यस सर, ये तो जीरो होगा नहीं, क्योंकि जीरो से पाई के बीच में अगर एंगल है तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी कैन नॉट बी जीरो, और इस वाले को आपको लिखने का तरीका पता है, हाफ साइन ए माइनस साइन बी का स्क्वायर साइन बी माइनस साइन सी का स्क्वायर साइन सी माइनस साइन ए का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और ये तभी होगा जब साइन ए इज इक्वल टू साइन बी इज इक्वल टू साइन सी होगा, मतलब ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलेटरल ले सकते हो, यस सर, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, इसीलिए तुम्हारा हो सकता है गलती आया हो बेटा। हाँ सर, वो इसीलिए गलत आ रहा था, फिर सही अब हो गया। हाँ अच्छा, उसके बाद एक डाउट था, ये साइज 62 नंबर था ना, एक क्वेश्चन था, समेशन एन इक्वल टू 101 से लेके, मौलिक तुमने ये शायद भेजा था,
यही है ना? किसका डाउट था बताओ? सर ये मैंने आपको भेजा था। अच्छा कितने टर्म है बेटा इसमें? 101 से लेकर 205 तक कितने टर्म? 1005 टर्म्स। अच्छा तो ये n इक्वल टू 101 से लेके 205 है। 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख ले बच्चे। बोलो। यस सर। तो ये 2 का समेशन हुआ माइनस कॉस n पाई हुआ n इक्वल टू 101 से लेके 205 हुआ। तो 2 कितने बार ऐड हो रहा है? 1005। तो 2 इंटू 105 हो गया बच्चे माइनस समीशन ऑफ कॉस एन पाई एन इक्वल टू 101 से लेके 205 तक है। तो ये 2010 माइनस जैसी ये रखोगे तो ऑड मल्टीपुल पे पाई के ऑड मल्टीपुल पे कॉस की वैल्यू माइनस वन होगी और जैसी इवन रखोगे ना जैसे 1001 के बाद 102 रखोगे तो वो प्लस वन होगा। ये समझ में आ रहा है भाई? ये वाली वैल्यू रखोगे तो माइनस वन होगा, अगला वाला रखोगे तो प्लस वन होगा, फिर माइनस वन होगा, फिर प्लस वन होगा, ऐसे चलता जाएगा। और इसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो माइनस वन प्लस वन होके कैंसिल होगा, लास्ट में सिर्फ एक बचेगा। जब 205 रखोगे तो माइनस वन बचेगा बच्चे। ये समझ में आया? हाँ ना कुछ तो बोल। यस सर। तो ये 2010 माइनस और ये वाला तो इसका आंसर 2011 आ जाएगा बच्चे। ये तो छूटना नहीं चाहिए था एग्जाम में। बोलो कोई दिक्कत? आपको बताया है कि कॉस की जो वैल्यू है ना यहाँ पे माइनस वन होती है और यहाँ पे वन होती है। ये वाला क्या है? पाई है, 3 पाई है, 5 पाई है, ऑड वाला है, ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई। ये है इवन मल्टीपुल ऑफ पाई। तो जब जब ऑड होगा वो माइनस वन हो जाएगा और इवन होने पे कितना होगा? प्लस वन होगा। ठीक है? बोलो बच्चे। यस सर। नेक्स्ट एक किसी ने डाउट भेजा था एंगल का खेल है, उसमें कुछ करना नहीं था। उसमें था साइन स्क्वायर माइनस 212 डिग्री कॉस 302 डिग्री प्लस कॉस क्यू माइनस 148 डिग्री अपॉन साइन माइनस 82 डिग्री कॉस माइनस 8 डिग्री प्लस साइन 368 डिग्री साइन माइनस 172 डिग्री माइनस साइन 58 साइन 148 डिग्री। ये किसके इक्वल है ये बताना था बच्चे। ठीक है? चलो इसको क्या करना है, सबसे छोटे एंगल में चेंज करते जाना है। जैसे ये देखो यहां पे ये आपको नजर आ रहा होगा साइन स्क्वायर है, माइनस आए या प्लस आए तो कोई दिक्कत नहीं है। और 212 को आप 180 प्लस 32 लिख सकते हो ना?
चलो हम अलग से लिखते हैं, जैसे मान लो साइन है माइनस 212 है, तो माइनस साइन 212 का मतलब 180 प्लस 32, हाँ या ना? साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन होता है, तो यहां से ये साइन 32 डिग्री आ गया बच्चे, और इसका स्क्वायर होने से साइन स्क्वायर 32 डिग्री हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। अब कॉस 302 डिग्री है, तो इसको कॉस 360 माइनस 58 लिख दो, तो ये हो जाएगा कॉस 58 हो जाएगा बच्चे, और कॉस 58 मतलब ये साइन 32 हो जाएगा, बोलिए। बोलो बच्चे। यस सर। तो ये देखो साइन 32 हो गया और ये साइन स्क्वायर 32 हो गया, तो यहां से आ जाएगा गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, पहला वाला टर्म बन गया साइन क्यू 32 डिग्री बन गया, ये समझ में आया बच्चे? अब आ जाओ इसकी बात करते, कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, और कॉस 148 एक्चुअली माइनस कॉस 32 हो जाएगा, 180 माइनस थीटा कर देना, हाँ या ना? कॉस 148 माइनस कॉस 32 होगा ना बच्चे, कुछ बोल नहीं रहे हो, और उसका क्यूब होने से ऊपर में आ गया माइनस कॉस क्यू 32 डिग्री आ गया बच्चे, अपॉन, नीचे आते हैं जरा, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहेगा, इसका माइनस बाहर आ जाएगा, और साइन 82 जो होगा वो एक्चुअली कॉस 9 के बराबर होगा, सॉरी कॉस 8 के बराबर होगा, बोलिए। यस सर। तो ये क्या बन गया, ये तो कॉस 8 रहेगा, इसका माइनस बाहर निकल गया, और ये कॉस 8 होगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर 8 आ गया, यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर 8 आ गया बच्चे, ठीक है? आ जाओ इस पे, साइन 368 है, 360 प्लस 8 करो तो ये साइन 8 होगा, इसका माइनस बाहर निकल गया, और साइन 172 जो होगा वो साइन 8 होगा, तो फाइनली ये माइनस साइन स्क्वायर 8 आ गया, ये समझ में आया? यस सर। माइनस ये साइन 58 कॉस 32 हो गया, और साइन 148 ये साइन 32 हो गया, साइन 180 माइनस थीटा करके, तो इससे क्या होगा, ये ए क्यू माइनस बी क्यू, तो एक आएगा ए माइनस बी आएगा, और दूसरा क्या आएगा बताओ, ए क्यू माइनस बी क्यू में एक तो आगे ए माइनस बी हो गया, दूसरा a square plus b square 1 बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और क्या आएगा, प्लस ए बी प्लस साइन 32 कॉस 32 आएगा, और नीचे में ये देखो ये माइनस कॉमन लेने से 1 बन गया, भाई इसमें से माइनस कॉमन लोगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो ये आया 1 प्लस कॉस 32 साइन 32 आया,
ये इससे कैंसिल हो गया बच्चे, तो ये आ जाएगा cos 32 माइनस sin 32 आ जाएगा। ऑप्शन में जो होगा उसको टिक कर दोगे। आई बात समझ में? यस सर। तो अभी तक मेरे नजर में यही क्वेश्चन आए हैं, अब इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन होगा तो फिर से आप भेज दीजिएगा, ठीक है सर? मैंने आपको 74th क्वेश्चन भेजा था, उसमें क्या था बेटा? सर उसमें आंसर गलत आ रहा था, मेरा माइनस कॉस 2x आ रहा था। क्वेश्चन तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है बेटा, अगर है तो बताओ या कल डिस्कस कर दे बेटा। यस सर। ठीक है, इसमें अभी इस पेपर के हिसाब से आपने किया 1 डाउट, 2 हो गया, 3 डाउट, 4, 5, 6, 7, 8 डाउट तो कर लिया बेटा, ठीक है ना? यस सर। एक मिनट बेटा, मैं देखता हूँ क्या भेजा था तुमको तुमने। अंजलि? यस सर। बेटा तुमने नंबर भेजा तो उसमें क्वेश्चन नहीं भेजा है। यस सर, वो क्वेश्चन तो मैंने, क्वेश्चन तो सर याद है, मतलब सर क्वेश्चन मतलब मैंने भेजा है, अभी भेजा है। यस सर, आपने सीन कर लिया। एक्चुअली नंबर है ना, नाम से नहीं है। चलो क्वेश्चन याद है तो बताओ बेटा, देख के बताओ, मैं बताता हूँ। सर अंडर रूट ऑफ साइन रेस टू द पावर 4x। क्या सर? अंडर रूट ऑफ साइन रेस टू द पावर 4x प्लस 4 cos स्क्वायर x अंडर रूट के अंदर ही, अंडर रूट प्लस 4 cos स्क्वायर x, 4 cos स्क्वायर x माइनस, वो अंडर रूट के बाहर माइनस। अच्छा ये अंडर रूट के बाहर है, माइनस अंडर रूट cos 4 cos रेज टू द पावर 4x प्लस 4 sin स्क्वायर x cos का पावर 4x कॉस का पावर। हाँ कॉस का कितना पावर है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा सर, मैं स्क्रीन शेयर करके क्वेश्चन दिखा दूँ?
दिखा दे बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 74। क्या बोल रही बेटा? क्वेश्चन नंबर 74 भेजा है तुमने? सर मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है। पता नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा इसमें। हाँ एक मिनट बेटा, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू साइन का पावर 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस का पावर 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स एन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ एफ एक्स इज, वन दिया हुआ है, माइनस वन प्लस रूट टू साइन एक्स है, कॉस टू एक्स है, माइनस कॉस टू एक्स है। ठीक है बच्चे, यहाँ पे साइन का पावर प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स इसको सिंप्लीफाई किया होगा ना बच्चे? यस सर। या तो इसको आप क्या कर दिए होगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिखे होगे, ये साइन स्क्वायर एक्स इसका स्क्वायर लिखे होगे, ये 4 कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहां से आया होगा कॉस का पावर 4 एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये यहां से 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 बना होगा, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आया होगा, यही ना बच्चे? यस। ठीक है, और ये जो है कॉस का पावर 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स ये ऐसे हम लिखे होंगे, तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बना होगा, है ना? तो एफ एक्स आ गया हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 आया होगा बच्चे, तो ये तो कॉस 2x ही आया है, क्या दिक्कत है सर? इसको साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उल्टा आ रहा था। किसी भी फॉर्म में करो, क्या दिक्कत है? तुमने क्या गड़बड़ कर दिया? सर मैंने उसको साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया था, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया था 4 के अंदर। तो अगर मान लो ये तुम करते हो साइन का पावर 4 प्लस 4 इसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा, यही ना? यस सर। तो यहां से क्या आया, ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर आया ना? यस सर। अब तुमने ये वाला ध्यान नहीं दिया ना,
ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है ना, मॉड नहीं लगाया होगा, यहाँ पे तो बच गया क्योंकि अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव है। एक्चुअली जब करोगे ना इसका रूट लोगे तो एक्चुअली साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू का मॉड आएगा बच्चे, हाँ या ना? यस सर। देखो हमेशा हाँ रूट अंडर एक्स स्क्वायर का मतलब होता है मॉड एक्स। अब ये मॉड के अंदर का क्वांटिटी निगेटिव हो गया बच्चे, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स वन से कम होता है, तो इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आई बात समझ में? हाँ सर समझ आ गई। हाँ तो वही एरर हो रहा था बेटा, ये नोट कर लो, रूट अंडर एक्स स्क्वायर का मतलब होता है मॉड एक्स। ठीक है? यस सर। और किसी का कोई डाउट तो नहीं है? बोलो बच्चे। नो सर और कोई डाउट नहीं। और कोई बच्चा जिसका डाउट हो? आदित्य भास्कर? नो सर। आस्था? चलो किसी का होगा तो मेरे को भेज देना, ठीक है बेटा? ओके सर। ओके, कल हमने एक क्वेश्चन दिया था इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच में डिस्टेंस निकालना, निकाले थे आप लोग? क्वेश्चन भेजा था, शेयर किया था, नहीं किया? चलो कोई नहीं, नेक्स्ट चैप्टर एपी जीपी एचपी का है ना, अगले क्लास से वो भी रिवाइज कराऊंगा। ठीक है? यस सर। चलो ये बताओ, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर थ्री कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। पीएसटी का पहला क्वेश्चन लेते हैं, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर थ्री कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। एंड इट्स लार्जेस्ट एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट वन। डिटरमिन द साइड ऑफ द ट्रायंगल। ट्राई कीजिए, ट्रायंगल के साइड थ्री कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है
और जो सबसे बड़ा एंगल है ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल भी दिया हुआ है. डिटरमिन द साइड ऑफ द ट्रायंगल. ट्राई कीजिए इसको. तीन नेचुरल नंबर मान लो भाई, जो सबसे बड़ा साइड होता है उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होता है. ये ट्रायंगल एबीसी है. मान लो ये एन है, ये एन प्लस वन है, ये एन प्लस टू है. थ्री कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लिया. ये साइड सबसे बड़ा है तो ये एंगल सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा और ये सबसे छोटा हो जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की दिस एंगल, एंगल सी इज डबल ऑफ एंगल ए है. तो इफ दिस एंगल, हाँ, 4 5 6 4 5 6 ऐसे करके बनाए हो कि पूरा बनाए हो? सर जैसे आप बता रहे हो वैसे कर. अच्छा, तो अगर ये एंगल सी इसका डबल है, तो अगर इसका नाम अगर अल्फा है तो ये 2 अल्फा ले ले बच्चे. अब बताओ इसके बाद क्या किया है? सर मैंने साइन रूल लगाया था स्टार्टिंग में. साइन रूल अप्लाई कर दिया था. वेरी गुड. तो उससे क्या निकल गया? उससे क्या निकला बेटा? सर कॉस ए में एक रिलेशन आया, फिर कोसाइन रूल लगाया. वेरी गुड. यहां से जब आप साइन रूल लगाओगे तो एन बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू एन प्लस टू बाई साइन टू अल्फा आएगा. तो ये हो गया हमारे पास एन बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू एन प्लस टू. ये टू साइन अल्फा कॉस अल्फा. इससे हम कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल लिए बच्चे. एन प्लस टू बाई टू एन, ये कॉस अल्फा की वैल्यू निकल गई. अब ट्रायंगल से कॉस अल्फा लिख लेंगे. कॉस अल्फा ट्रायंगल से कितना होगा? एन प्लस टू का स्क्वायर एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर टू इंटू एन प्लस टू एन प्लस वन हो जाएगा. और कॉस अल्फा की वैल्यू है एन प्लस टू बाई टू एन है. इसको ओपन करोगे क्या क्या टर्म आएगा वो देख लो. इसमें आएगा ये एन स्क्वायर प्लस फोर एन प्लस फोर है, एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन है, माइनस एन स्क्वायर, और यहां पे आ रहा है टू एन प्लस टू एन प्लस वन आ रहा है. ये टू और टू कैंसिल होगा. इसको इधर ले जाएंगे तो n प्लस टू का स्क्वायर इंटू एन प्लस वन, और ये n इधर जाएगा. यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो रहा, हमारे पास आएगा n स्क्वायर प्लस सिक्स एन प्लस फाइव आएगा. ठीक है ना? n स्क्वायर प्लस सिक्स एन प्लस फाइव आएगा. दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस फोर एन प्लस फोर है, एन प्लस वन से मल्टीप्लाई हो रहा, और यहाँ पे एन क्यू प्लस सिक्स एन स्क्वायर प्लस फाइव एन है. ये आ गया एन क्यू फोर एन स्क्वायर प्लस फोर एन, वन के साथ एन स्क्वायर प्लस फोर एन प्लस फोर इज इक्वल टू एन क्यू प्लस सिक्स एन स्क्वायर प्लस फाइव एन. ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जा रहा है.
ये 5n² और ये 6n², तो 1n² बचेगा राइट साइड में, ये 4n 8n और इधर 5n, तो इसको इधर लाओगे तो -3n होगा और -4 = 0, तो ये n-4 n+1 = 0 होगा। n कैन नॉट बी नेगेटिव क्योंकि n नेचुरल नंबर है, एज n इज नेचुरल नंबर तो n की वैल्यू 4 ले लेंगे, तो साइड्स हो जाएंगे, साइड्स आर 4, 5, 6। ये समझ में आया बच्चे? यस सर। नेक्स्ट लेते हैं, आईटी एडवांस का क्वेश्चन लेते हैं 2013 का। इन ए ट्रायंगल PQR, P इज द लार्जेस्ट एंगल। ट्रायंगल PQR में P लार्जेस्ट एंगल है और cos P की वैल्यू 1/3 दी हुई है। Further, the in circle of triangle touches the side PQ, QR, RP at N, L, M respectively. In circle of triangle ये हमने in circle बना दिया बच्चे, ये triangle PQR है, P is the largest angle और cos P की value 1/3 दी हुई है। Further, the in circle of triangle touches side PQ, PQ, QR और RP, इसको टच कर रहा, PQ को N पे, इसको L पे और इसको M पे, such that length of PN, QL और RM are consecutive even integer. PN, QL, RM ये दिया हुआ है, consecutive even integers दिया हुआ है बच्चे। Then possible length of sides of the triangle is, तो triangle के sides क्या क्या होंगे ये बताने हैं। Question clear है? Triangle PQR है, ये इसका in circle है, P largest है, cos P की value दी हुई है और question में कह रहा है कि ये तीनों जो है, ये तीन कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर है। पी अगर लार्जेस्ट है तो इसके सामने का सबसे बड़ा होगा, ये सोच के बनाओ बेटा, ट्राई कीजिए।
इवन इंटीजर है तो मान लो इसका नाम दे दो एन दे दो, ये एन प्लस टू दे दो, ये एन प्लस फोर दे दो, वर्क करो. थ्री कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर दिया हुआ बच्चे, ये कितना ले लें? इसका नाम मान लो कि एन दे दिया, ये एन प्लस टू दे दिया, ये एन प्लस फोर दे दे बच्चे, बोलिए. आपने पढ़ा है कि आउटसाइड से जब दो टेंजेंट बनाते हो तो उनका लेंथ इक्वल होता है, यहां से आपने टेंजेंट बनाया तो दोनों का लेंथ इक्वल होगा, ये n प्लस टू होगा तो ये भी n प्लस टू होगा, ये n प्लस फोर है तो ये भी n प्लस फोर होगा, ये n है तो ये भी n होगा, बोलो. इसका मतलब ये वाला जो लेंथ आ गया हमारे पास 2n प्लस सिक्स आ गया, ये वाला लेंथ हमारे पास टोटल कितना हो गया 2n प्लस टू हो गया, और ये वाला लेंथ हमारे पास कितना हो गया 2n प्लस 4 हो गया सर, 9 10 11 9 10 11. ओके, पी क्यू और वो साइड्स बता रहा हूं. हाँ, साइड्स ही हमको चाहिए. ऑप्शन दिया हुआ 16 18 24 22, मोर देन वन चॉइस का क्वेश्चन है. 18 22 आ रहा है. हाँ, n की वैल्यू निकाले होगे ना? यस सर. भाई तीनों साइड्स n के टर्म में दिया हुआ, cos p, ये देखो सबसे लार्जेस्ट साइड भी है 2n plus 6. तो कोसाइन रूल अगर अप्लाई करोगे तो cos p क्या लिखोगे? 2n plus 2 का स्क्वायर, 2n plus 4 का स्क्वायर, माइनस 2n plus 6 का स्क्वायर अपॉन 2 into 2n plus 2 इंटू 2n प्लस 4. कॉस पी की वैल्यू 1/3 है. ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, या इसका 2 कॉमन ले लो, इसका 2 कॉमन ले लो, या सीधे मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. मल्टीप्लाई करोगे तो 4n स्क्वायर आएगा, ये 4n हुआ और ये 8n हुआ, 12n प्लस 8 आ रहा है. ये इसको ओपन करोगे तो इसमें आएगा 4n स्क्वायर 8n प्लस 4, इसमें आएगा 4n स्क्वायर 16n प्लस 16 माइनस 4n स्क्वायर प्लस 24n प्लस 36 आएगा. ये 4n स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे बच कितना रहा है? एक तो 4n स्क्वायर हुआ, ये दोनों मिलके 24n हो रहा है, वो इससे कैंसिल हो जा रहा है, और इधर ये आ रहा है 20 और माइनस इतना, तो माइनस 16 हो रहा है, और बाई 2 4n स्क्वायर प्लस 12n प्लस 8 है इज इक्वल टू 1/3. तो 2 से कैंसिल होने के बाद ये 2n स्क्वायर माइनस 8 बाई 4n स्क्वायर प्लस 12n प्लस 8 हो रहा है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4n स्क्वायर प्लस 12n प्लस 8 इज इक्वल टू 6n स्क्वायर माइनस 24 हो रहा है. तो 2n स्क्वायर माइनस 12n माइनस 32 जीरो हो रहा है, तो n स्क्वायर माइनस 6n माइनस 16 जीरो हो रहा है. 8 2 के कॉम्बिनेशन से कर रहे तो n माइनस 8 n प्लस 2 जीरो हो रहा है,
एन कैन नॉट बी माइनस टू साइड्स है, यहां से एन की वैल्यू एट आ गई, एन एट आ गया तो साइड्स हो जाएंगे 18 ठीक है ना, ये वाले साइड्स कितने हो जाएंगे 20 और 22 साइड्स आर 18 20 22 हो जाएगा बच्चे, ठीक है ना, बोलिए। तुम लोग ने फॉर्मूला रिवाइज कर लिया सारे प्रॉपर्टी एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के? नेक्स्ट टेस्ट में एपी जीपी भी है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन भी है, तो ये अगर आप कर लोगे तो आपका ट्रिगो वाला पार्ट खत्म हो जाएगा बच्चे। इसको एक बार रिवाइज करो, रिवाइज करके छोड़ दो अच्छे से, हम कभी कभी एक आध क्वेश्चन ले लेंगे और कल से हम एपी जीपी का भी कुछ रिवीजन कराना शुरू करते हैं, ठीक है? Yes, sir. और फिर हम एक चैप्टर भी ऐड करेंगे। पहले आप इसको क्या करो, आज कल में आप ये प्रॉपर्टी एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जितना पढ़ाया है ना वो आप एक बार रिवाइज कर लो, साथ में पिछले साल जो एडवांस में क्वेश्चन आया था एक मीडियन का वो खुद से बना के देखो, पिछले साल जो एडवांस में आया था वो खुद से बना के देखो, अगर नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा, ठीक है? कल उसको डिस्कस भी कर लेंगे। बाकी कल से आप एपी जीपी एचपी रिवाइज करना शुरू करो, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन रिवाइज करना शुरू करो, ओके सर? ठीक है, चलो रिवीजन करो, क्लास छोड़ रहा हूँ। थैंक यू सर।